नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। एशिया कप 2022 को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप इस साल T20 फॉर्मेट में श्रीलंका में आयोजित होगा। इसको लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। साल 2022 एशिया कप अगस्त से सितंबर के महीने में खेला जाएगा। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी कि एशिया कप 2022 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच श्रीलंका में खेला जाएगा। एशिया कप के क्वालिफायर मुकाबले 20 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि आखिरी बार एशिया कप साल 2018 में खेला गया था, जिसे भारत ने अपने नाम किया था, और अब 2018 के बाद 4 साल बाद एशिया कप का आयोजन होगा। साल 2016 में पहली बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था और साल 2018 में यह 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया था। इस साल 2022 में एशिया कप का आयोजन एक बार फिर से T20 फॉर्मेट में होगा। एशिया कप का आयोजन वैसे तो हर 2 साल में होता है। साल 2022 में कोविड संक्रमण के चलते हुए ACC ने यह फैसला लिया था और इसे रद्द कर दिया गया था। इस वजह से अब 2022 में इसे पुनः आयोजित कराने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि अब तक एशिया कप के 14 एडिशन हो चुके हैं। साल 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत अब तक 7 बार एशिया कप जीत चुका है। साल 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018 में भारत ने इसे जीता था। श्रीलंका दूसरी सबसे सफलता वाली टीम है। इसे 5 बार श्रीलंका अपने नाम कर चुकी है, 1986, 1997, 2004, 2018 और 2014। इसके अलावा पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जिसने साल 2000 और 2012 में इसे अपने नाम किया था। एशिया कप में एशिया की सभी टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और साथ ही एक क्वालिफाइड टीम शामिल होती है। तो इस साल अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत होगी और ACC ने इस बात की जानकारी दे दी है। आप क्या कुछ सोचते हैं और कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।